तो सेफ्टी इशू हो जाने के कारण मैं कुछ दूर पे चला आया। हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है मुहर्रम का दिन। तो मुहर्रम का दिन जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो मेरे गांव में मुहर्रम कैसे मनाया जाता है आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो फाइनली उस जगह पे आ गया हूं जहां पर गांव के सभी लोग मुहर्रम के दिन एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो यही वो जगह है और यही वो जगह है जहाँ पर गाँव में जितने सारे तजिए बनते हैं एक जगह इकट्ठा किए जाते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। उसके पहले आपको मुहर्रम का माहौल दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको तजिए दिखाने वाला हूँ। और इस साइड में आपको एक के बाद एक तजिया सजे दिख जाएंगे रोड के किनारे। जो गांव में जितने सारे तजिया बने होते हैं वो यहां पे इकट्ठा किए जाते हैं। तो यहां पर एक के बाद एक तजिया आपको सजे दिख रहा होगा। तो बारी बारी करके मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। और कौन सा तजिया आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो यहां पर काफी अच्छा माहौल है और बच्चे लोग ढोल ताशा बजा रहे हैं तजिया के पास में। तो सबसे पहले जो तजिया आपको दिखाया वही तजिया सबसे बड़ा था और सबसे अच्छा था। आपको कौन सा तजिया अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा। और यहां से आपको सारे तजिए रास्ते किनारे एक साथ में ही सजे दिख जाएंगे। तो ये था इस साल के मुहर्रम में बने मेरे गांव के 6 तजिया। तो अब यहाँ से बैक करते हैं और उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर गांव के जो सभी लोग इकट्ठा होते हैं और आपस में लाठी खेलते हैं और शेरो शायरी करते हैं और मुहर्रम मनाते हैं। चलिए फिर से वहीं चलते हैं। तो इस साल के मुहर्रम में सबसे अच्छा जो तजिया बना है वो ये है। सामने में आपको जो दिख रहा है यही तजिया सबसे अच्छा लग रहा है। तो फाइनली उस जगह करीब आ गया जहाँ पर गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और शेरो शायरी कहते हैं और आपस में लाठियाँ खेलते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो आपको भीड़ दिख रहा है सामने में, यहीं पर गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे गोल करके घेराव करके आपस में शेरो शायरी कहते हैं और लाठियाँ खेलते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको शेरो शायरी सुनाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एक भीड़ के गोल घेराव के बीच में शेरो शायरी हो रहा है और यहाँ पे जो शेरो शायरी कह रहे हैं वो जावेद भाई है, मेरे घर के पास के ही है। और यहाँ पर एक किसी व्यक्ति का शेरो शायरी खत्म होता है तो दूसरे व्यक्ति जो है इस गोल घेराव के बीच में आते हैं और अपना शेरो शायरी लोगों के बीच में रखते हैं। और यहाँ पर जो शेरो शायरी होता है वो बिल्कुल धार्मिक होता है और ये साल में एक ही बार मौका मिलता है कि गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर आपस में शेरो शायरी कहते हैं, लाठियाँ खेलते हैं और या हुसैन का नारा लगाते हैं और आपस में गम बांटते हैं। तो अभी शेरो शायरी का माहौल चल रहा है गांव के लोगों के बीच में। तो आपको शेरो शायरी का माहौल दिखाते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि गांव के लोग लाठियां कैसे खेलते हैं आपस में। अरे उस्ताद मेरा वो था का बाबा
जबरदस्ती क्या कर रहा है, जबरदस्ती ना कर रही, एक पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए तब जाए, ठीक बा, जबरदस्ती कर इजाजत नहीं थी इमाम हुसैन को जंग करने की, अब्बास बता देते तो ये था मुहर्रम का दिन का गांव के लोगों के बीच में शेर शायरी का माहौल। अब आपको दिखाते हैं गांव के लोग आपस में लाठियां कैसे खेलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि गांव के लोग सारे इकट्ठे हुए और आपस में यहां पे लाठियां खेल रहे हैं। तो यहां पे आपको अच्छे से दिखा देता हूं। तो मुहर्रम के दिन शेर शायरी के लिए गांव को लोगों का जैसे भीड़ का घेराव होता है, उसी प्रकार से लाठी खेलने के लिए भी घेराव होता है। तो यहां पर एक घेराव बन गया है और बीच में लाठी खेला जाएगा। और मुहर्रम मनाने के लिए गांव के लोगों का क्राउड देख सकते हो, यहां पे काफ़ी क्राउड है और काफ़ी लोग छत से खड़ा होकर देख रहे हैं। और भीड़ घेराव के बीच में लाठी खेलना स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर देख सकते हो एक शख्स जो अंदर में लाठी भाजना स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से लाठी खेला जाता है और लाठी खेलने के बहुत सारे तरीके हैं। तो विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न तरीके से लाठी खेलते हैं, कोई दो कोई तीन एक साथ लाठी खेलते हैं और कुछ यंगस्टर लड़के रॉन्ग तरीके से लाठी खेलते हैं जिसके कारण जोखिम होने की संभावना रहती है। इसलिए खेलने वाले और देखने वाले दोनों को सावधानियां बरतनी पड़ती है यहाँ पर। और मुहर्रम के दिन लाठी खेलने से ज़्यादा देखने वाले की संख्या ज़्यादा होती है, इसी कारण से यहाँ पर देख सकते हो क्राउड काफ़ी है और गांव के लोग सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो गाइस कुछ यंगस्टर लड़के रॉन्ग तरीके से लाठी खेल रहे थे तो सेफ्टी इशू हो जाने के कारण मैं कुछ दूर पे चला आया और यहाँ से आपको व्यू दिखा रहा हूँ, काफी अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो बिहार का यह पूर्वी चंपारण का गांव काफी बड़ा गांव है और यहाँ पे जनगणना काफी ज्यादा है, इसी कारण से यहाँ पे काफी क्राउड होते हैं। और मुहर्रम के दिन के अवसर पर यहाँ पे मेले भी लगते हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। तो अब आपको उस स्थान पर लेकर चलते हैं जहाँ पर मुहर्रम के अवसर पर मेले सजते हैं। तो चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो मुहर्रम के अवसर पर मेले सजते हैं बट मेले कुछ खास बड़े नहीं होते। तो मैं फाइनली आ गया वहाँ पर जहाँ पर लाठी खेला जाता है मुहर्रम के दिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गांव के जो यंगस्टर लड़के होते हैं वो यहाँ पे लाठी खेल रहे हैं और विशेष करके यंगस्टर लड़के होते हैं वही ज़्यादा करके लाठी खेला करते हैं और जो एजेड होते हैं वो कम लाठी खेला करते हैं। तो ये था बिहार का पूर्वी चंपारण रामडिया गांव के सुंदर सा मुहर्रम का व्यू। और इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाने और बताने का प्रयास किया कि मुहर्रम के दिन कैसे लाठी खेलते हैं और कैसा तजिया होता है और कैसे लोग एक दूसरे से गम बांटते हैं और कैसे शेर व शायरी करते हैं गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर। तो इस साल का मुहर्रम का ब्लॉग यहीं पर इन करते हैं। तो आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक कीजिए और अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसने ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।